जो हम लोगों का विवाद चल रहा है उसको लेकर इन पर प्राणघातक हमला किया है। इनको बचाने के बाद जब मैं पुलिस रिपोर्ट लिखाने वाला था तो वहाँ पे भी इन्होंने अपना राजनीतिक पूरा दबाव बनाया कि रिपोर्ट ना लिखी जाए। वर्षों से दो फलों में बटे साहू समाज के बीच एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सागर में समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने साहू समाज के ही एक भाजपा उपाध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग उठाई है। समाज के सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाजपा उपाध्यक्ष पर इतने आरोप लगा दिए हैं कि अब बात समाज के प्रदेश पदाधिकारियों तक पहुंच गई है। दरअसल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सहित अन्य लोगों पर मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से समाज का यह वर्ग संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि जिस हिसाब से मारपीट की घटना हुई उसके अनुसार पुलिस ने धाराएं नहीं लगाई और भाजपा उपाध्यक्ष के राजनीतिक प्रभाव के चलते सामान्य धाराओं में पुलिस ने कायमी दर्ज की है। फिलहाल समाज के 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इसी आधार पर साहू समाज के ये पदाधिकारी दो प्रमुख मांगों पर अड़ गए हैं। पहला, विगत दिनों समाज के इस व्यक्ति पर हुए हमले के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमले की धाराएं बढ़ाई जाए और दूसरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किया जाए।